गाइस, टोरंटो में कल एक लड़के ने 308 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाई हाईवे पे, उसको बहुत बड़ी टिकट लगी है। यू वांट टू से हाय? व्हाट्स योर यूट्यूब चैनल? आई विल टेल यू, इट्स कॉल्ड एजे ब्रो कनाडा। एजे ब्रो, यू गॉट, यू वांट टू से हाय? जस्ट से हाय। व्हाट इज यूट्यूबर? व्हाट्स योर नेम? हाय। ओके, सो फिर जो है वो मुझे $200। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है कि अगर आपको कनाडा में कोई टिकट लग जाता है, ट्रैफिक टिकट लग जाता है, तो फिर आपको क्या करना है उससे बचने का, या उसको पे करने का, या उसको लड़ने का क्या जो है वो तरीक़ेकार है, वो आपको इसको वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे पीछे इस वक्त मैं एक छोटे से पार्क में हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा व्यू करा तो नज़र आ रहा होगा आपको पीछे मेरे। इतना बड़ा पार्क नहीं है, नॉर्मल सा पार्क है, बच्चों के खेलने वगैरह के लिए पार्क बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह के छोटे मोटे पार्क जो है वो हर तरफ जो है वो इस तरह के छोटे पार्क्स बने होते हैं, और कई पार्क्स बहुत बड़े हैं कनाडा में। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप कनाडा में गाड़ी चला रहे हैं, वैसे तो मैं हमेशा ये आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि गाड़ी जो है वो कनाडा में बड़ी एहतियात से चलाएँ, क्योंकि यहाँ टिकट्स जो हैं वो बहुत लगते हैं, स्पेशली मैनिटोबा में। इसके अलावा ओंटारियो और बीसी में स्पीडिंग बहुत होती है, लेकिन फिर भी टिकट जो है वो टिकट्स वगैरह थोड़े कम लगते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपको कनाडा आए और आपने गाड़ी चलाई और किसी तरह भी जो है आपको टिकट जो है वो लग गया, तो अब मैं बताता हूँ कि अगर दो किस्म के टिकट हैं, एक जो है वो रेड लाइट कैमरा है, अगर आपने रेड लाइट को क्रॉस किया है, स्पीड में आ रहे थे और देखा नहीं वो रेड लाइट कैमरा, फिर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ कैमराज लगे होते हैं, तो आपको जो है वो तस्वीर बन जाएगी आपकी नंबर प्लेट की, और कितनी देर जो है वो आपने बाद रेड सिग्नल को क्रॉस किया उसकी तस्वीर बन जाएगी, और आपका टिकट जो है तकरीबन $325 या इससे कम ज़्यादा जो है हो सकता है, इतना होता है, $300-$400 रेड लाइट अगर आप क्रॉस करेंगे उसका इतने का टिकट होगा। दूसरी आपको स्पीडिंग टिकट मिलता है, स्पीडिंग टिकट कई दफ़ा कैमराज लगे होते हैं, अगर आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा है, 10 या 20 ज़्यादा है, तो फिर आपको टिकट मिल सकता है, कई दफ़ा कैमराज लगे होते हैं, कई दफ़ा स्ट्रीट्स में स्पेशली स्कूल जोन में जो पुलिस वाले होते हैं वो गाड़ी जो है वो लेकर बैठे होते हैं कैमरे के साथ, और आपकी तस्वीर बनाते हैं, जब आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है फिर भी आपको टिकट मिलता है। लेकिन ये टिकट ऐसे होते हैं कि इनसे आपके जो पॉइंट्स होते हैं लाइसेंस के, वो डीमेरिट नहीं होते। डीमेरिट पॉइंट्स कब होते हैं? जब आप गाड़ी जो है वो फ़र्ज़ करें आप स्ट्रीट पे, हाईवे पे, कहीं पे भी आप जो है वो गाड़ी जो है वो अपनी तेज़ चला रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक लिया, जब पुलिस ने आपको रोक लिया फिर आपके लिए ट्रबल हो गया। अगर आपने स्पीडिंग कर रहे हैं तो पुलिस जो है अक्सर आपको जो है वो डीमेरिट्स पॉइंट दे देती है, तो 2-3 इस तरह डीमेरिट्स पॉइंट होते हैं। कोशिश करें कि पुलिस के हाथ ना पकड़े जाएँ, क्योंकि एहतियात से गाड़ी चलाएँ, क्योंकि आपको डीमेरिट पॉइंट्स जो है वो हो सकते हैं, तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको टिकट मिल गया तो आपने करना क्या है। आपको टिकट मिल गया, घर आपके आ जाएगा, मेल में आ जाएगा कि आपको टिकट मिल गया, या आपको पुलिस ऑफिसर जो अगर उसने टिकट दिया वहीं पर, तो आपको जो है वो टिकट मिल जाएगा। अब उसके बाद या क्या करना है, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि टिकट को पढ़ें, उस पर लिखा होगा कितने का टिकट लगे, आपका ये स्पीड थी, जो भी सारा कुछ डिटेल लिखी होगी, और उसको पे कैसे करना है। अगर आप गिल्टी हैं, आपको लगता है आपने गलत किया है, तो आप उसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या उनके ऑफिस में जाके पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके जो टिकट आपको लगा है उसमें वो उसको कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लग गया है 300-400 का, उसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जो आपको टिकट मिलेगा, मेल में आएगा या पुलिस ऑफिसर देगा, तो उसको लेके आपने उनके सर्टन ऑफिस में चले जाना है, उसका एड्रेस उसी टिकट के ऊपर जो है वो लिखा होगा, आप वहाँ पर जाएँ, और वहाँ पर जाने के बाद आएगी तो वहाँ का स्टाफ होगा, वो उससे आप जब बात कर रहे होंगे तो आपको बताएगा, आप बताएंगे मुझे टिकट लगा, तो फिर वो आपको तीन ऑप्शन देगा कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं, आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। नंबर वन ऑप्शन ये होगी कि आप गिल्टी हैं और जो है टिकट वो आप पे करना चाहते हैं। नंबर टू कि आप अपील करें, आप गिल्टी हैं लेकिन आप अपील करें कि ये गलती थी, एक मिस्टेक थी, और मैं ये जो है वो जज के सामने पेश होऊंगा और वो मेरे जो टिकट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और नंबर तीन है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ। तो तीन ऑप्शन हैं आपके पास, तो तीन में से आपने एक जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और फ़र्ज़ करें आपने पहली सेलेक्ट कर ली, हाँ मैं गिल्टी हूँ और मैं जो है अपना लाइसेंस जो है वो पे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने ये क्या करना है कि आप वहीं पर जो है जाके
आप फ़ौरन पे भी कर सकते हैं उसी वक्त भी, या अगर आपने एक्सटेंड करवाना है, ऑनलाइन पे करना है, वो भी आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे एक दो महीने का और टाइम चाहिए, वो ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन ये है कि आपको जज के सामने पेश होना पड़ेगा, और अगर फ़र्ज़ करें आपका $400 का टिकट लगा हुआ है या $300 का लगा हुआ है टिकट, तो आप जज के सामने पेश होंगे और जज को आपने ये कहना है कि मैं गिल्टी हूँ लेकिन मिस्टेक थी, जो भी रीज़न होगी आप उसको वैलिड रीज़न देंगे कि मेरी गलती से जो है वो ये टिकट जो है वो मुझे लगा है, ये वो। अगर आपकी जेन्युइन कोई मिस्टेक है तो हो सकता है आपको टिकट माफ़ हो जाए, लेकिन ज़्यादातर टिकट जो है वो माफ़ नहीं होते, वो ज़्यादातर आपको रिड्यूस कर देते हैं, कई दफ़ा 50% रिड्यूस कर देते हैं और कई दफ़ा $100 जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होती है कि आप बिल्कुल ही कहें कि नहीं मुझे ये टिकट नहीं लगा, बिल्कुल जो है मैं था नहीं या मेरी गाड़ी नहीं थी, जो भी आपकी रीज़न है। तो ये तीन ऑप्शन होती हैं आपके पास। कुछ अर्सा पहले मुझे भी टिकट लगा था, मैंने स्कूल जोन में गाड़ी चला रहा था और मुझे $353 का टिकट लगा था। शाम का टाइम था और हॉलीडेज़ थी और 1st of January थी, मुझे लगा शायद आज छुट्टी का दिन है, मेरे माइंड से निकल गया कि छुट्टियां चल रही थी स्कूल से, और शाम का टाइम था 4:30 थे, लेकिन यहाँ पे 4:30 जब सर्दियों में जनवरी के मौसम में रात हो जाती है तो रात को आपको अंदाज़ा नहीं होता कि टाइम क्या चल रहा था, आप यही समझते हैं यार 6-7 बज गए हैं। तो मेरे जहन में भी कुछ ऐसा ही था और मुझे पता भी नहीं चला कि ये मैं इस वक्त जो है स्कूल जोन से गुजर रहा हूँ। तो वो स्कूल जोन था और वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 होती है और मेरी जो स्पीड थी वो 53 थी, बहुत ज़्यादा, जैसे 23 ज़्यादा थी, इसलिए टिकट भी काफ़ी ज़्यादा लगा उन दिनों में और ज़्यादा और भी लोगों को टिकट से लगे थे। तो फिर मैंने कहा कि मिस्टेक हो यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर मैं जब वहाँ पे करने गया तो पे भी कर सकता था ऑनलाइन, लेकिन नहीं, मुझे पता था, मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा टिकट लग गया, अब $353 का टिकट लगा है तो अब मैं जो है उसको फाइट करूँगा। तो मैं गया वहाँ पर और वही मैंने कहा नहीं मैं गिल्टी हूँ लेकिन मैं इसको जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको डिक्रीज़ करें या इसको माफ़ कर दें। और जज ने सबसे पहले ये पूछा कि आप स्कूल में बहुत तेज़ चला रहे थे तो इसको तो हम मतलब कम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं मिस्टेक होगी, मैंने जो जब चला रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये स्कूल जोन है और रात का टाइम था। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं इसको, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप आर यू एम्प्लॉयड, जब आप एम्प्लॉयड होते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि वो आपका टिकट माफ़ नहीं करेंगे, वो आपको पैसे चार्ज करेंगे ऑफकोर्स। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो शायद वो आपका टिकट माफ़ भी कर दें अगर आपकी रीज़न वैलिड है। तो मैंने कहा जी एम्प्लॉयड हूँ, तो उसने मेरे टिकट को जो है वो हाय या बच्चा पूछ रहा था कि आर यू यूट्यूबर, तो फिर मैंने उसको बताया हाँ, तो वो इसलिए वो सुन रहा था। अच्छा तो क्या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे ने, तो मेरी फिर उसने मुझे ऐसे किया कि मेरे जो टिकट्स को था वो यू वांट टू से हाय, व्हाट्स योर यूट्यूब चैनल, आई विल टेल यू, इट्स कॉल्ड एजे ब्रो कनाडा, एजे ब्रो, यू वांट टू से हाय, जस्ट से हाय, व्हाट यूट्यूबर, व्हाट्स योर नेम, हाय, ओके। सो फिर जो है वो मुझे $200 का जो है वो उसने करना पड़ा $355 में से, तो मुझे $200 पे करना पड़े, फिर मैंने पे कर दिया। तो ये तरीक़ेकार था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हे गाइस कम हियर, जस्ट से प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, या थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नोटिफिकेशन बेल एंड प्लीज ड्रॉप अ लाइक।